गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केवी कैंपस। मैं आपका टीचर विकास कुमार। आज हम लोग डबल फिलर्स करने जा रहे हैं। एग्जाम्स प्री के एग्जाम्स हो या मेंस के एग्जाम्स, आपसे फिलर्स पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में आप जब प्री के एग्जाम में जाएंगे तो 5 क्वेश्चंस आपको फिलर से रिलेटेड होना है। वो या तो सिंगल फिलर्स हो सकता है, या तो डबल फिलर्स हो सकता है, या तो मल्टी फिलर्स हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आपसे डबल फिलर्स ही पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आज आपको डबल फिलर्स बताने का कुछ डबल फिलर्स सॉल्व करने का कुछ रूल समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपको हर एक चीज बहुत ही बारीकी से समझ में आ सके, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन लिखा गया, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन दिया जाएगा और एक क्वेश्चन में दो फिलर्स दिए जाते हैं, कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं 5, जिनमें से आपको देखना होता है कौन एक ऑप्शन सुइटेबल है सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग कंटेक्चुअली, ठीक है। और वही ऑप्शन आप आंसर में फिल करते हैं और वो आपका सही होता है। तो बात तो ये कि आंसर तो इस 5 में से कोई एक तो होना ही है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा रास्ता निकालना होता है कि जब भी हम आंसर चूज करें, ठीक है, तो वो सही ही आंसर आए। और ऐसा करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, वो आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या होता है ना, हम लोग कहते हैं सिनोनिम्स, ठीक है। और दूसरा रूल होता है एलिमिनेशन। सिनोनिम्स कहने का मतलब है कि जो 5 वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे ये ए बी सी डी ई हुआ, ठीक है। तो सिनोनिम्स हमें ढूंढना कैसे, सो देखिए, पहले ऑप्शन का पहला वर्ड, दूसरे का पहला, तीसरे का पहला, चौथे का पहला, पांचवें का पहला, मतलब हम पहला वर्ड अगर लेते हैं तो इन 5 वर्ड में से देखना है कौन कौन सिनोनिम्स है, ठीक है। नहीं तो आप सेकेंड वर्ड भी चूज कर सकते हैं, सेकेंड वर्ड दूसरे तीसरे या चौथे या पांचवें किसी भी ऑप्शन का लेंगे और देखेंगे सेकंड में कौन कौन सा वर्ड सिमिलर है, ठीक है। जैसे देखिए, एक चीज समझिए, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और कोऑपरेशन, दोनों का मतलब लगभग सेम है, ठीक है। तो हम मानेंगे कि ये और ये दोनों क्या हुआ, सिनोनिम्स हुआ, तो आंसर भी इसी दोनों में से कोई एक होना है। अगर समझ में, फिर से समझ लीजिए, पहले हमें पहले वर्ड को या जो सेकेंड वर्ड है उससे देख करके हमें क्या निकालना है, कौन कौन सा वर्ड सिनोनिम्स है, जो जो सिनोनिम्स है आंसर भी उसी में से कोई एक होना है, ठीक है। दूसरा रूल क्या समझाएगा, एलिमिनेशन। कभी कभी आपको ये डाउट होगा कि अब आंसर किसे ले, तो हम लोग ये नहीं देखेंगे आंसर किसे ले, ये भी देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है, जो नहीं हो सकता उसे पहले हटा लेंगे, जो बचेगा वही मेरा आंसर होगा। ये तो मैं आपको बोल के समझा रहा हूं, लेकिन जब अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। तो सेंटेंस देखने से पहले ऑप्शन देखना जरूरी है, ठीक है। चलिए, एक तो यहां मिला कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा लेना, सहयोग की भावना होना। और कोऑपरेशन का मतलब भी क्या होता है, सहयोग। अब देखिए, कोहैबिटेशन लिखा है, मतलब एक साथ निवास करना, ये हो सकता है क्या सिनोनिम्स, बिल्कुल ही नहीं। पिक्चर, सॉरी, टॉक्स, टॉक्स का मतलब बातचीत। और यहां लिखा कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब भी बातचीत। तो यहां भी हमें ये भी दोनों वर्ड क्या मिल रहे हैं, सिमिलर मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सेकंड वर्ड ले रहे हैं तो हमारा ये दोनों ऑप्शन सिमिलर आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन भी सिमिलर आ रहा है। अब देखिए फर्स्ट वर्ड को देखिए कि फर्स्ट वर्ड में कहीं कोई सिमिलर वर्ड दिया है। चलिए गौर करके देखते हैं, फोटो, फोटो, और यहां दिया पिक्चर, है ना, पिक्चर। तो अब अगर हम फर्स्ट वर्ड ले रहे हैं तो पिक्चर और फोटो ये दोनों सेम आ रहा है, सेकंड वर्ड ले रहे हैं तो मेरा कौन कौन आ रहा है, कन्वर्सेशन, टॉक्स, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। ध्यान से समझिएगा, मैं फिर समझा रहा हूं। अब देखिए कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों वर्ड मेरा कॉमन आ चुका है, एक ऑप्शन ये, क्योंकि दोनों ब्लॉक हो चुका है, एक ऑप्शन ये, दोनों ब्लॉक हो चुका है, मतलब अब हमें क्या करना है, इलिमिनेट करना है, कौन ऑप्शन आंसर नहीं बन सकता मेरा, ये आंसर नहीं बनेगा, चाहे जो हो जाए मेरा आंसर नहीं बनेगा। अब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और सेंटेंस पढ़ते ही मेरा क्लियर हो जाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं, गिवन द हिस्ट्री एंड द डिमांड्स ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान द टू कंट्रीज आर लाइकली टू प्रेजेंट अ डैश ऑफ नेबरली डैश। टू कंट्रीज आर लाइकली टू प्रेजेंट, दोनों जो देश हैं वो संभावना है कि सामने प्रस्तुत करेंगे डैश ऑफ नेबरली डैश, ठीक है, अपने डैश को, पड़ोसी डैश को। तो बताइए वो दोनों संभावना क्या है, पिक्चर या फोटो, दोनों का मतलब होता है तस्वीर, वो लोग क्या प्रेजेंट करेंगे, तस्वीर। तो तस्वीर को सही में क्या हमें आंसर लेना चाहिए,
दे प्रेजेंट अ फोटो ऑफ नेबरली डैश या दे प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ नेबरली डैश। अब यहां लिखा है कन्वर्सेशन और यहां क्या लिखा है कोऑपरेशन, तो दोनों देश क्या करेगा, सहयोग की भावना का एक तस्वीर प्रस्तुत करेगा या बातचीत की भावना का एक तस्वीर प्रस्तुत करेगा। निश्चित सी बात है सही क्या लग रहा है, सहयोग को प्रस्तुत करेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए था मेरा सी। पहला टर्म है, पहली बार आप इस तरह से सीख रहे हैं तो समझने में परेशानी हो सकती है, लेकिन जब आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही इजी वे में आपका आंसर भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। मिलियंस ऑफ डैश कीप मूविंग टू टाउन्स फ्रॉम द हिंटरलैंड। हिंटरलैंड मतलब होता है दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं उसे कहते हैं टू सीक बेटर डैश। ठीक है, वो होता है मिलियंस ऑफ डैश है जो मूव एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक शहर से सॉरी दूर दराज के क्षेत्र से दूसरे शहर में आते रहते हैं ताकि उन्हें अच्छी डैश मिल सके। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में। माइग्रेंट मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह जाए उसे कहते हैं आइमिग्रांट। आइमिग्रांट का मतलब समझ रहे होंगे जो दूसरे देश से अपने देश में आ जाए, जैसे मान लीजिए कोई अमेरिकन है वो इंडिया में आके सेटल हो गया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइमिग्रेंट कहते हैं। ठीक है, इमिग्रांट ई से शुरू हो जाए मतलब अपने देश से आदमी कोई दूसरे देश में जाकर सेटल हो जाए। ठीक है, मेन आदमी विमेन औरत ये तो हो गया। तो अगर हम पहला वर्ड ले रहे हैं तो ये एक तरह से तीनों तो सिनोनिम्स हो गया क्योंकि तीनों का मतलब हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला व्यक्ति। ठीक है, बस ये दोनों डिफरेंट है क्योंकि दोनों का जेंडर ही अलग है, मतलब ये और ये ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता है। अब हमें देखना है इसी तीनों में आंसर होगा। चलिए हम लोग फिर से दूसरे वर्ड को पेयर में देखते हैं क्या हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज मतलब मौका, ठीक है, चांसेस मतलब मौका, ठीक है, ब्रेक्स का मतलब क्या होता है, तोड़ना या कोई चीज में पहल करना, पहल मिलना, उसे हम लोग ब्रेक कहते हैं। तो मान लीजिए कोई आदमी है जो एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, ठीक है, तो वो किस चीज की तलाश में, बेहतर मौके की तलाश में जाएगा ना। तो मेरा जो ये ऑप्शन था इमिग्रांट्स ये तो गलत है। ठीक है, अब आंसर आइमिग्रांट होगा नहीं तो माइग्रेंट होगा। अब आप सोच कर देखिए आंसर क्या चूज कर सकते हैं आप। कुछ लोग बोलेंगे नहीं आइमिग्रांट सही है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं माइग्रेंट सही है। ठीक है, गौर करने की चीज कहां है, यहां फ्रॉम द हिंटरलैंड्स टू टाउन मतलब अपने ही शहर के दूर दराज के क्षेत्र से दूसरे शहर में जाते हैं। और इसका यूज कब करते हैं हम लोग, जब दूसरे देश का आदमी अपने देश में आ जाए। तो यहां तो देश का चर्चा किया ही नहीं कि दूसरे देश से आ रहा है अपने देश में, अपने देश से आ रहा है दूसरे देश में, मतलब ये ऑप्शन क्या था मेरा गलत था और मेरा आंसर क्या होगा सही ए। आई बस समझ में आया किस तरह से सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, या तो आप पढ़कर समझ सकते हैं तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको डाउट है कि इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सही ऑप्शन में कैसे चेंज करके आंसर ले तो आप ये तरीके को अपनाइए। आज मैं आपको सिखा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास सॉरी घर पे आप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर निकालिए, प्रैक्टिस सेट निकालिए और उसमें आप इस तरह से बनाकर देखिए, आपका मोस्ट ऑफ द केस में सही आंसर ही आएगा। ठीक है, चलिए अब इसी के दूसरा एक टाइप होता है, डबल फिगर्स का ही दूसरा टाइप होता है, वो यहां लिखा गया है। दो सेंटेंसेस दिए जाएंगे आपको, दोनों में आपको कोई एक वर्ड भरना है। पांच वर्ड्स ऑप्शन में है, इन पांच में से कोई एक वर्ड ही ऐसा है जो इन दोनों सेंटेंस में सुइटेबली फिट होना है, वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसमें भी हमें क्या करना है, ये देखना है कि कौन दो वर्ड सिमिलर दिख रहा है। ठीक है, आंसर उसी में से कोई एक होना है। चलिए देखते हैं, हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुश। मैटर, मैटर का मतलब कोई वस्तु हो सकता है, कोई मुद्दा हो सकता है। जिस्ट, जिस्ट का मतलब समरी, सारांश को कहते हैं, किसी चीज का पूरा निचोड़ हो, आत्मा हो या समरी हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिस्ट कहते हैं। कंटेंट, कंटेंट का मतलब संतुष्ट। सेंस, सेंस का मतलब जो एक भाव होता है उसे कहते हैं। तो अभी तक में आप समझ गए होंगे कौन दो वर्ड है जो एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकता है। ठीक है, तो एक तो हैप्पी मतलब खुश, एक कंटेंट मतलब संतुष्ट, तो संतुष्ट और खुश ये दोनों नियरली सेम तो हो सकता है। तो आंसर ही मेरा क्या होगा, या तो ए या तो डी, मुझे सी बी और ई को हटा लेना है। अब ये दोनों वर्ड है, अब यहां पढ़कर आप देखिए आपको सुइटेबल आंसर पता चल जाएगा। ही इज हैप्पी विथ व्हाट एवर लिटिल ही हैज, उसके पास जो कुछ भी है वो उससे खुश है, सही लग रहा है। दे केप्ट द हैप्पी ऑफ द कम्युनिकेशन अ सीक्रेट, उन्होंने अपने बातचीत के, ठीक है, हैप्पी को सीक्रेट रखा, कोई मतलब बन रहा है वहां हैप्पी का,
नहीं, मतलब ये ऑप्शन गलत था और मेरा आंसर क्या होगा डी। पढ़कर देखिए, यहाँ तो सही है कि ही इज कंटेंट विथ व्हाटएवर लिटिल ही हैज, उसके पास जो कुछ भी थोड़ा है वो उससे संतुष्ट है। और कंटेंट का दूसरा मतलब भी होता है, हम लोग जो भी कुछ लेख लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, तो जो भी कुछ लिखा हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंटेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने बातचीत का जो भी कुछ मैटर था, कंटेंट था, वो क्या है, उसे सीक्रेट रखा। आंसर हो गया ये, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चौथा नंबर सेम इसी पैटर्न पर है। तो हमें पहले क्या करना है, सिमिलर वर्ड्स को देखना है, तब क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, चलिए आप खुद देख आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए हॉस्टिलिटीज, तो हॉस्टिलिटी मतलब हो गया शत्रुता। ठीक है, शत्रुता। सपोर्टर्स मतलब जो किसी के पक्ष को ले, सपोर्ट करे। अपोनेंट्स मतलब विरोधी लोग। प्रोटेस्टर्स विरोध करने वाले लोग। तो ये दोनों तो सेम मिल गया, अपोनेंट्स और प्रोटेस्टर्स। ठीक है, मतलब ये दोनों आंसर हो सकता है। अच्छा एक और भी है, सपोर्टर्स और प्रोपोनेंट्स। प्रोपोनेंट्स का मतलब भी क्या होता है, सपोर्टर्स। ठीक है, तो दो वर्ड इधर से सेम मिल रहा है, दो वर्ड इधर से मिल रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो मेरा गलत है। या तो हिंदी आ रहा है समर्थक, या तो आ रहा है विरोधी। ठीक है, तो समर्थक वाले भी दो ऑप्शन में है, विरोधी वाले भी दो ऑप्शन में है। ठीक है, अब हमें देखना है कि समर्थक ले या विरोधी, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ना, तो हम एक सेंटेंस पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, अ कंट्रोवर्सियल प्लान टू बिल्ड एन इमेंस डैम इन ब्राजील्स रेन फॉरेस्ट। बोला है एक विवादित प्लान है कि वो बनाया जाए एक बड़ा सा डैम ब्राजील के रेन फॉरेस्ट में। वाज स्टॉल्ड, यह रुक गया। व्हेन इट डैश अ फॉर्मिडेबल ब्लॉक, जब इसे बहुत ही बड़े तरह से विरोध किया गया। ऑफ डैश इन इकोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, जो पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं। ठीक है, जो पर्यावरण विद होते हैं, पर्यावरण बचाव करते हैं, उनको कहते हैं। तो पर्यावरण विद जो है, इन लोगों ने क्या किया, सपोर्ट किया होगा या विरोध किया होगा, ये बताइए। पर्यावरण विद जो होते हैं उनका काम क्या होता है, पर्यावरण को सपोर्ट करना या पर्यावरण का विरोध करना। निश्चित सी बात है कि ये लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। पर्यावरण को सपोर्ट करेंगे तब तो उन लोगों को डैम नहीं बनने दिया गया। मतलब आंसर क्या लेना हमें, सपोर्टर्स। तो मेरा जो अपोजिट ऑप्शन होगा, अपोनेंट्स प्रोटेस्टर्स, ये दोनों हट जाएगा। अब आंसर मेरा क्या बना, या तो बी या तो ई। अब आप खुद देखकर बताइए, गेंद लेंगे या ड्रिव लेंगे। A controversial plan to build an immense dam in the Brazilian forest was stalled, इसे रोक दिया गया। When it drew a formidable block, या when it gained a formidable block of dash in ecologist, बताइए। निश्चित सी बात है, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं gained होगा, कुछ लोग बोलेंगे नहीं drew होगा। तो जब आप दोनों ऑप्शन में 100% फंस जाए कि आंसर अब कौन सा ऑप्शन लेना है, तो सबसे आसान तरीका है कि दोनों में जो अनकॉमन वर्ड हो, जो अनकॉमन वर्ड है, जिसका यूज आप कम करते हैं, कम सुनते हैं, वही ऑप्शन आपका 100% आंसर है। तो आप देखिए, सपोर्टर और प्रोपोनेंट्स दोनों में किसका यूज कम करते हैं, मेरा दोनों में अनकॉमन वर्ड कौन सा हो गया, प्रोपोनेंट्स। आंसर क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, और जब आकर्षण अपनी ओर खींचा जाए तो उसको गेंद नहीं कहते हैं, ड्रिव कहते हैं। जैसे आप सुनते भी हैं, ड्रॉ एन अटेंशन, किसी चीज की ओर ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्वे है। चलिए, तो क्वेश्चन लिखा गया, पहले ऑप्शन से ही आप एलिमिनेट कर लीजिए कि आपका आंसर क्या होने वाला है। चलिए देखिए, एलाउ पोजिंग एस्टिमेटिंग परसीविंग डिक्लेयरिंग। चलिए, इसमें तो सारा का सारा अलग है। एलाउ मतलब अनुमति देना, पोज का मतलब होता है कैरी करना, एस्टिमेट मतलब आकलन लगाना। ठीक है, परसीव मतलब सोचना विचारना, डिक्लेयर मतलब घोषणा करना। ये तो पांचों डिफरेंट वर्ड है। चलिए नेक्स्ट है, टर्न। ठीक है, टर्न का मतलब कोई चीज होना, मुड़ना या होना। ठीक है, ग्रीव बढ़ना, ग्रो से घट, ग्रीव बढ़ना। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में होना, एराइजिंग मतलब बढ़ना। तो ग्रीव और एराइज तो ठीक है, ग्रीव का मतलब भी क्या होता है, बढ़ना, और एराइजिंग का मतलब भी क्या होता है, बढ़ना, दोनों सेम है। बिकम का मतलब भी क्या होता है, होना। और यहां भी टर्न का मतलब क्या दिया था, टर्न मतलब होता है कोई चीज होना या मुड़ना, दोनों मतलब होता है। तो आंसर या तो बी डी में होगा या तो ए और ई में। ठीक है, फिर अब दो ऑप्शन आपका आ गया, तो कुछ करना नहीं, एक बार पढ़ के देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा।
नॉर्वे हैज स्टोलन द मार्च ओवर अदर डेवलप्ड कंट्रीज बाय डैश दैट इट वुड रिड्यूस 40% ऑफ इट्स ग्रीन हाउस गैस इमिशन। यह अपना 40% इमर्सन जो होता है मतलब कि गैस जो उत्सर्जित होता है उसे कम करेगा बाय 2020 तक एंड डैश कार्बन न्यूट्रल बाय 2030 और 2030 तक ये कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। तो होना का इंग्लिश क्या होता है, या तो टर्न या तो बिकम, मतलब ये जो हम लोग सोच रहे थे आंसर ये ऑप्शन गलत था। अब आप खुद देख लीजिए ए लेंगे या ई लेंगे, नॉर्वे अलाउ करेगा या नॉर्वे डिक्लेयर करेगा। अलाउ मतलब अनुमति देना, डिक्लेयर मतलब घोषणा करना। तो नॉर्वे खुद एक देश है, वो क्या करेगा, उसने घोषणा किया कि हम 40% तक 2020 तक क्या करेंगे अपने कार्बन इमिशन को घटा लेंगे और 2030 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। मतलब मेरा आंसर क्या था, सॉरी क्या हो जाएगा, डिक्लेयरिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस सेक्शन को बनाते हैं। आप आज तक सेंटेंस को पढ़ के बना रहे थे, सेंटेंस को आप पढ़कर ही बना सकते हैं अगर आपको वो इजी वे लगे तो। मैंने आपको जो तरीका समझाया ये सबसे आसान तरीका होता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि वर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड मेरा आंसर में जाएगा। ठीक है, और अक्सर एग्जाम में आपको 5 में 2 वर्ड तो कॉमन देना ही है, सॉरी सिनोनिम्स। तो जब 2 वर्ड आपको सिनोनिम्स मिल गया तो बाकी 3 वर्ड्स पे आपको ध्यान ही नहीं लगाना है। आप इस तरह से प्रैक्टिस करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, मैं फिर समझा रहा हूँ, अगर वीडियो ना समझ में आए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए, हम लोग उसे और भी इम्प्रूव करके आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।